गुड मॉर्निंग एवरीबडी एंड आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एट योर होम एंड होपफुली आप सब अपना काम अपनी वर्कशीट्स और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हो एंड इन दिस मैथ्स लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक विच इज़ नंबर पैटर्न हमने लास्ट लेक्चर में किया था वाट कम्स आफ्टर बिटवीन एंड बिफोर आज हम करेंगे नंबर पैटर्न्स तो नंबर पैटर्न्स में सबसे पहले हम करेंगे अल्टरनेट नंबर्स अल्टरनेट का मीनिंग होता है एक एक छोड़कर हमें नंबर्स को लिखना है एक एक नंबर को छोड़कर. नाउ फर्स्ट इज ऑड्स ऑड्स का मतलब क्या होता है वी हैव टू टाइप ऑफ नंबर्स हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं एक होते हैं ऑड नंबर्स और एक होते हैं इवन नंबर्स तो हम वन से शुरू करते हैं वन फिर एक नंबर छोड़ दिया हमने देन थ्री फिर एक छोड़ दिया फोर फाइव देन फिर एक छोड़ दिया सिक्स को छोड़ दिया सेवन ऐसे हम अपनी काउंटिंग हमने लिखी है ना एक, -एक. तो जो ऑरेंज कलर के बॉक्सेस हैं वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन एंड थर्टीन ये सब कौन से नंबर्स हैं दीज आर ऑड नंबर्स हमने वन से शुरू करना है वन एक ऑड नंबर है फिर एक नंबर को छोड़ना है और नेक्स्ट नंबर भी क्या होगा ऑड नंबर फिर एक नंबर छोड़ेंगे हम नेक्स्ट नंबर क्या होगा ऑड नंबर फिर एक नंबर को हमने स्किप किया नेक्स्ट नंबर क्या होगा ऑड नंबर हमने ऑल्टरनेट मीन्स एक एक छोड़कर और जो बीच वाले नंबर्स हैं टू है फोर सिक्स एट टेन दीज आर इवन नंबर्स सो वॉट आर ऑड नंबर्स वन से शुरू करना है फिर एक एक नंबर को छोड़ते जाना है जो नंबर्स आपको मिलेंगे वो कौन से नंबर्स होते हैं ऑड नंबर्स सो वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन एंड थर्टीन ये कौन से नंबर्स हैं ऑड नंबर्स इवन नंबर्स कौन से हैं जो इनके बीच में आ रहे थे ना टू से ऑड नंबर्स वन से शुरू करने हैं इवन नंबर्स टू से शुरू करेंगे और एक एक को छोड़ना है हमने टू से शुरू किया थ्री को छोड़ दिया हमने फोर एक ईवन नंबर है फिर फाइव को छोड़ दिया हमने फिर सिक्स एक ईवन नंबर है फिर सेवन को छोड़ दिया हमने फिर एट क्या है एक ईवन नंबर फिर नाइन को छोड़ दिया फिर टेन क्या है ईवन नंबर सिमिलरली ट्वेल्व इज़ ऑल्सो एन ईवन नंबर सो आई होप आपको पता चल गया कि ऑड नंबर्स कौन से हैं और इवन नंबर्स कौन से हैं ऑड नंबर्स आप वन से शुरू करोगे इवन नंबर्स को आप टू से शुरू करोगे फिर एक एक नंबर को छोड़ते जाना है और जो नंबर्स आपको मिलेंगे वो कौन से नंबर्स होंगे वन से शुरू करके आपने टू छोड़ा आपको थ्री मिला थ्री इज़ एन ऑड नंबर फिर फोर को छोड़ा फाइव मिला फाइव इज एन ऑड नंबर सिमिलरली इवन नंबर्स के अंदर अब हमने टू से शुरू करना है इवन नंबर्स में टू से शुरू किया फिर थ्री को छोड़ दिया हमने फोर मिला हमें विच इज़ एन ईवन नंबर फाइव को लिया हम फाइव को हमने क्या किया स्किप सिक्स क्या है इवन नंबर सेवन को क्या किया स्किप छोड़ दिया एट क्या है इवन नंबर दिस इज़ हाउ वी गेट ऑड एंड इवन नंबर नाउ हेयर आर सम फिल इन द ब्लैंक्स एंड यू हैव टू फिल द नंबर्स फर्स्ट वी हैव वन वन एक और नंबर है टू हमने छोड़ दिया ना फिर नेक्स्ट एप्पल में कौन सा नंबर आपके पास थ्री फोर छोड़ दिया हमने नेक्स्ट कौन सा है फाइव तो सिमिलरली हम कौन सा नंबर छोड़ देंगे सिक्स को हम छोड़ देंगे यहाँ कौन सा नंबर आएगा सेवन फिर एट को छोड़ देंगे यहाँ कौन सा नंबर आएगा नाइन दिस इज़ हाउ आपको इन एप्पल्स में नंबर्स को फिल करना है सिमिलरली नेक्स्ट वाले में टू लिखा है हमने टू के बाद थ्री छोड़ दिया फ़ोर आया फिर फाइव छोड़ दिया सिक्स फिर सेवन छोड़ देंगे यहाँ कौन सा नंबर आएगा एट नाइन छोड़ देंगे फिर यहाँ कौन सा नंबर आएगा टेन दिस इज हाउ यू विल फिल द नंबर्स सिमिलरली यू हैव टू फिल द नेक्स्ट रूम नाउ नेक्स्ट इज वी हैव थ्री कॉलम्स इन तीन के अंदर आपको क्या करना है नंबर्स को फिल करना है सबसे पहले वी हैव सेवन नाइन एंड एलेवन इनमें भी आप देखो इन्होंने एक एक नंबर को स्किप किया हुआ है सेवन के बाद इन्होंने एट को छोड़ दिया फिर कौन सा नंबर लिखा है नाइन फिर टेन को छोड़ दिया फिर कौन सा नंबर लिखा है इलेवन फिर एलेवन के बाद कौन सा नंबर छोड़ देंगे ये ट्वेल्व को छोड़ दिया कौन सा नंबर आएगा थर्टीन थर्टीन के बाद कौन सा नंबर छोड़ देंगे ये फोटीन तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा फिफ्टीन सिमिलरली आपको ये सारी रो में फिल करना है और आपको ये दोनों भी ऐसे ही करने हैं आई होप आपको क्लियर हो गया है कि वॉट आर ऑड नंबर्स व्हाट आर इवन नंबर्स ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि एक एक नंबर को आपको छोड़ के लिखना है सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू दिस वर्कशीट अलॉन्ग विद दिस वी विल ऑल्सो रिवाइज द टेबल ऑफ टू हमने पहले भी टेबल टू का टेबल किया था तो आज हम फिर से रिवाइज़ करते हैं सो लेट्स बिगिन टू वा

2 1 ja, 2 2 2 ja, 4 2 3 ja, 6 2 4 ja, 8 2 5 ja, 10 2 6 ja, 12 2 7 ja, 14 2 8 ja, 16 2 9 ja, 18 2 10 ja, 20. So revise your table properly and also do your work properly. Thanks and have a great day.